जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। साथियों, आज की वीडियो हम जानेंगे जीतिया व्रत के बारे में। जीतिया व्रत सन 2020 में कब है, ये व्रत किस प्रकार मनाया जाए, पूजन की विधि क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है, इस व्रत में क्या करें क्या ना करें और पौराणिक कथा, संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके साथ इस वीडियो में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जीतिया व्रत, यह 3 दिन चलने वाला व्रत है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीतिया व्रत मनाया जाता है। 3 दिन में पहला दिन जो होता है वो सप्तमी का होता है, जो नहाए खाए होता है। दूसरा दिन खुरजीतिया का होता है, जो मेन इनका व्रत है। और तीसरा दिन पारण विधि। ये 3 दिन का व्रत है। सन 2020 में 10 सितंबर को यह व्रत मनाया जाएगा। 9 सितंबर को नहाए खाए होगा, 10 सितंबर को अष्टमी और 11 सितंबर को नवमी यानी कि पारण किया जाएगा। इस व्रत का महत्व क्या है? ये व्रत सुहागन स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी उन्नति के लिए किया करती हैं। पूर्ण विधि विधान से महिलाएं इस कठिन व्रत को करती हैं, जो व्रत 3 दिन चलता है। पहले दिन नहाए खाए में प्रातःकाल स्त्रियां उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन सूर्य अस्त से पूर्व ही ग्रहण किया जाता है। यदि आपको कोई भी शारीरिक कष्ट है और आप रात तक नहीं रह पाती हैं तो आप जल या कोई जूस आदि ले सकती हैं। अगले दिन अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर माँ गौरा और गणेश की प्रतिमा के सामने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प लिया जाता है। संकल्प में माँ गौरा से यह प्रार्थना की जाती है कि वो हमें इस व्रत को रखने की शक्ति प्रदान करें और हमारी सहायता करें। ऐसा करने के पश्चात पूरा दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। अगले दिन यानी नवमी का जो दिन होता है उस दिन व्रत का पारण किया जाता है। प्रातःकाल ही उठकर पूजा अर्चना की जाती है। घर में बहुत तरह के पकवान बनते हैं, झाड़ भात बनता है, नोनी का साग बनता है, विशेषतः महुआ के आटे की रोटी, पूरी अथवा गुलगुले आदि बनाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से इस भोजन को बनाया जाता है। उसके अतिरिक्त कोई भी पकवान, खट्टा मीठा तीखा जैसा भी परिवारजन खाते हैं, उस तरह के बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। फिर पूजन करने के लिए किसी सरोवर के किनारे या किसी तालाब के किनारे या कोई भी ऐसा शुद्ध जलाशय है, वहाँ पर सब महिलाएं एकत्रित होकर पूजन करती हैं। यदि आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ आपको इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्रद्धा भक्ति से कहते हैं जो भी कार्य करो वो पूर्ण हो जाता है, कुछ भी ना करने से करना बहुत बेहतर होता है, तो आप किसी भी एक बड़े बर्तन में जल लेकर उसके पास अपनी पूजन सामग्री रखकर आप इस व्रत का पारण कर सकती हैं। पूजन सामग्री में आपने दूबा घास लेनी है और आपके पास रोली हो गई, मोली हो गई, जो आपकी एक डलिया है जिसमें बहुत सारा आप सामान लेकर जाती हैं, जो बायना आपको अपने से बड़े को देना होता है। उसके अंदर फल होते हैं, जो आपने पकवान बनाए हैं वो होते हैं, श्रृंगार का पूरा सामान माँ गौरा को चढ़ाया जाता है वो होता है, और उसके ऊपर दक्षिणा होती है। ये सारा सामान लेकर आप वहाँ पर जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। पूजा पाठ यानी पूजा करनी है और उसके बाद कथा अवश्य सुननी है। किसी भी व्रत को पूजा के बाद कथा किए बिना पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए उसमें कथा सुनना अनिवार्य है। कथा सुनने के बाद वह जो आप सामान है, पूरा जो आपके डलिया में सामान है, वो या तो किसी ब्राह्मणी को देते हैं या किसी पुत्रवान स्त्री को आप वो प्रदान करते हैं। इसको देने का भी एक रिवाज है कि इसको पल्लू जो आंचल होता है साड़ी का, उससे ढककर ही दिया जाता है और उससे ढककर ही लिया जाता है। इस तरह से इस जो व्रत का सामान है उसको देने और लेने की प्रथा है। मान्यता ये भी है कि जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती है, अगर वो जीवित पुत्री का व्रत को करती हैं तो उनके अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति उनको होती है। तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रकार किया जाता है। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इस व्रत के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से सबसे पौराणिक कथा महाभारत के समय की कहती हूँ। महाभारत के समय की बात है, जब अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य का पांडवों के द्वारा वध हो गया तो अश्वत्थामा बहुत दुखी हो गया। वह प्रतिशोध की आग में जलने लगा।
कि किस प्रकार मैं पांडवों से इसका बदला लूं। एक दिन रात्रि के समय वह पांडवों के शिविर में यह सोचकर प्रवेश कर गया कि सभी पांडव सो रहे होंगे। वहां अलग अलग बिस्तर पर पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने पांडव जानकर उन पांचों पुत्रों की हत्या कर दी। जब पांडवों को यह पता चला कि उनके पांचों पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए हैं, तो वो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। आज से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के घर में पल रहे शिशु को मार दिया। जब पांडवों ने यह देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, अनुनय विवेचना की कि किसी भी तरह से हमारे इस पुत्र को आप बचाइए। भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में मृत शिशु को प्राण दिए। तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ और इस व्रत का नाम जीवित पुत्र पड़ा। एक और कथा के अनुसार जीवित पुत्र गंधर्वों के राजा थे जीवित राम, उनके नाम पर भी एक कथा प्रचलित है। परंतु ये जो पौराणिक कथा मैंने सुनाई है, आप अगर इस कथा का भी श्रवण करते हैं तो ये काफी रहेगा। कथा का श्रवण करना और सुनना इस व्रत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आप कथा कहिए, पढ़िए या सुनिए, लेकिन करिएगा जरूर। इस व्रत में क्या ना करें और क्या करें, इस व्रत के भी बहुत कठिन नियम हैं। यदि आप इस व्रत को पकड़ रहे हैं तो इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से आपको करना चाहिए। जिस दिन आपको पूर्ण निर्जल व्रत रहना है, आपको किसी की बुराई, निंदा, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। किसी भी अवस्था में आपको तन मन से स्वच्छ रहना है, भगवान के ध्यान में रहना है। किसी भी शारीरिक कष्ट होने की स्थिति में आप क्षमा मांगते हुए व्रत को छोड़ सकते हैं, लेकिन अशुद्ध अवस्था में या परेशानी में आप उस व्रत को ना करिए जब आप उसको कर ना पाए। और आपको करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी भी उस सुहागन स्त्री को जिसके पास पुत्र हो, पुत्रवती स्त्री के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेना भी इसमें अत्यंत अनिवार्य होता है। सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। कोई भी तामसिक भोजन इस दौरान आपको ना तो ग्रहण करना है, ना ही घर में बनाना है और ना ही किसी को देना है। इस तरह से व्रत को के नियम का पालन करते हुए यदि आप इस व्रत का पालन करते हैं तो ये व्रत आपको निश्चय ही शुभ फलदायी होगा। आपकी संतान की दीर्घायु होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं समझती हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे या जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। मिलती हूँ फिर एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करें।